नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पिछले साल इसी महीने 15-16 जून की रात गलवान में हिंसक झड़प हुई। भारतीय सैनिकों की जाबाजी के आगे ड्रैगन के जवानों को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन इसके बाद से ही चीन ने एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। भारत ने भी चीन को करारा जवाब देते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। गलवान साजिश के एक साल पूरे होने से पहले ही भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किलेबंदी कर ली है। एलएसी पर अत्याधुनिक हथियार और रसद लंबे समय के लिए रिजर्व कर लिए हैं। साथ ही हाल ही में खरीदी गई आधुनिक हथियार और गोला बारूद को लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। अब चाहे माइनस तापमान हो या फिर बर्फीली हवा, सेंट्रल कमांड में हर पल भारत के वीर एक्शन में दिखेंगे। फॉरवर्ड पोस्ट पर पीएलए की सेना को ललकारेंगे। अगर बात आधुनिक हथियारों की करें, तो एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी K9 व्रज तोपों को तैनात कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय फौज ने K9 तोप को एलएसी पर लगाया। K9 व्रज सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, यानी इन तोपों को किसी ट्रक या दूसरी गाड़ी से खींचने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनमें टैंक की तरह व्हील लगे होते हैं और ये इन्हीं व्हील्स के दम पर रेगिस्तान और पहाड़ों में दुश्मन को बर्बाद कर सकती हैं। पिछले एक साल में चीन एलएसी पर अपनी हरकतें दिखाता रहा है। भारत के कई बार समझाने के बाद भी वो बाज नहीं आया। बातचीत के दौरान भी ड्रैगन ने हथियारों को एलएसी पर लैस किया था। भारत ने भी एलएसी पर K9 व्रज सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन के साथ M777 आर्टिलरी गन को भी तैनात कर दिया है। भारत ने अल्ट्रा लाइट आर्टिलरी गन को अलग अलग मोर्चे पर लगा दिया है। भारत और चीन की सीमा पर अब भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां तनाव है और चीन का प्लान इन्हीं हालातों का फायदा उठाकर आगे बढ़ने का है। ऐसे में भारत ने हथियारों के साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया है। भारतीय सेना ने पिछले एक साल में एलएसी पर आकाश मिसाइल, इसराइल से लिया स्पाइडर और रूस से खरीदे गए पेचोरा को तैनात किया है। ये वो हथियार है जो दुश्मन की तरफ से आने वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को चंद सेकेंड में ही मार कर गिरा सकते हैं। एलएसी पर भारतीय वायुसेना को और मजबूत करने के लिए स्पाइस 2000 मिसाइल, 300 और 320 स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, R-73 400 मीडियम रेंज एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल और X-31 रडार ब्रिस्टिंग मिसाइल को भी तैनात किया गया है। आपको हान जुनवाई याद होगा, वही हान जुनवाई जिसे पुलिस ने बांग्लादेश बॉर्डर से गिरफ्तार किया था, वो जासूस निकला है। अब तक की जांच में साफ हो गया है कि 36 साल का चीन का नागरिक हान जुनवाई एक जासूस ही है। हान जुनवाई गैर कानूनी तरीके से पश्चिम बंगाल के मालदा में बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में दाखिल हो रहा था, उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 1962 से ही भारत और चीन के बीच आपसी संबंध खराब रहे हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक भारत हमेशा आपसी बातचीत और शांति से मसले को सुलझाने की कोशिश करता रहा है। पर चीन है जो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता, लेकिन अब हिंदुस्तान के पास हर वो हथियार मौजूद है जिससे चीन को करारा जवाब मिलेगा। जब तय वक्त आएगा तो चीन की कमर भी टूटेगी और रीढ़ भी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।